अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नम्रा शाहिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने बचपन से ही अपनी अम्मी से, अपनी नानी से, अपनी दादी से बहुत सारे घरेलू टोटके सुने होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किए होंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो घरेलू टोटके जो मुझ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे और मैं अभी तक उन्हें इस्तेमाल करती हूँ अपना वेट मेंटेन करने के लिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और आपको किसी भी बारे में कोई भी सजेशन देना है तो वो आप मुझे मेरे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। होम रेमेडीज। घबराएं मत, मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि ये लगाएं इससे रंग गोरा हो जाएगा, ये खाएं या इससे पतले हो जाएंगे, ये पिए इससे एक्ने खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपके साथ वो होम रेमेडीज शेयर कर रही हूँ जो मेरी अम्मी मुझे बताती हैं या मेरी नानी दादी ने मुझे बताई होंगी और ये होम रेमेडीज मुझ पर बहुत इफेक्टिव रही है। इन रेमेडीज की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर ये आपको फ़ायदा नहीं देती तो ये आपको नुकसान भी नहीं पहुँचाती। और मैंने देखा है अक्सर आप डाइट कर करके या वेट लूज़ करने के लिए वर्कआउट कर करके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो अगर आप ये होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें जिस तरह मैं करती हूँ तो आप भी मेरी तरह अपना वेट मेंटेन कर पाएंगे। तो आप लोगों को ये होम रेमेडीज़ बताने से पहले प्लीज़ एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये वो होम रेमेडीज़ हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ। तो मैं किसी भी चीज़ से एलर्जिक नहीं हूँ। मैंने देखा है लोग अक्सर एलर्जिक होते हैं लेमन से या एप्पल साइडर विनेगर से, या वो निहार मुँह कुछ इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो प्लीज़ ये सब कुछ अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो पहले किसी डॉक्टर से कंसर्न कर लीजिएगा या एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप किसी चीज़ से एलर्जिक ना हो। सो माय मैजिकल होम रेमेडी नंबर वन, ये वो ड्रिंक है जो मैजिकल होम रेमेडी है, लेकिन साथ साथ मैं इसे सुबह में इस्तेमाल करती हूँ, नहा मुँह बिफोर ब्रेकफास्ट। बिफोर ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट से 30 मिनट पहले। और रोज़ मैं ये काम करती हूँ, रोज़ मैं ये घरेलू टोटका अपने ऊपर आजमाती हूँ, रोज़ मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। रोज़ सुबह नाश्ते से पहले मुझे चाहे शूट पे जाना हो या मैं घर पे हूँ, मैं रोज़ ये ड्रिंक पीती हूँ। तो बहुत फीलिंग आ रही है कि मैं कोई शेफ़ हूँ या कोई खाना बनाने वाली हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग विद यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये होम रेमेडी नंबर वन के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। आपको चाहिए होगा एक गिलास साफ़ पानी, जो भी पानी आप इस्तेमाल करते हैं, मिनरल वाटर, डिस्टिल वाटर, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सभी पानी हो। और एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स क्लेंस करता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट लूज़ करने में बहुत हेल्प करता है। और अगर आप इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल रखेंगे, अगर आप इसे रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा, आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो अच्छा वेट लूज़ हो सकता है। लेमन, हम सबको बचपन से ही बताते हैं कि नींबू से कितना फ़ायदा होता है और कितना अच्छी तरीके से आप फैट लूज़ कर सकते हैं नींबू के इस्तेमाल से। तो ये ड्रिंक अगर आप बना के सुबह सुबह रोज़ पिएं, जैसे मैं रोज़ सुबह निहार मुँह नाश्ते से 30 मिनट पहले मैं ये बना के पीती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास स्टोव नहीं है, घर पे चूल्हा होता है, पतीली होती है, पतीली में एक गिलास पानी डाला, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, बनाए और पी लिए। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये कर रही हूँ, शेफ़ नहीं हूँ मैं कोई। तो मैं एक गिलास पानी इसके अंदर डाल रही हूँ और आप पहले एक गिलास पानी गर्म कर लें, एक गिलास पानी गर्म कर लें। और ज़रूरी नहीं है कि उबलते हुए पानी के अंदर ही आपको सब कुछ ऐड करना है, वैसे भी बॉइलिंग वाटर में सब कुछ ऐड करना ठीक नहीं होता, सब कुछ ऐड मत कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीना भी ज़रूरी नहीं है, मतलब इतना पानी गर्म होना चाहिए कि आप पिए तो आप पी सकें और आपको थोड़ा गर्म भी लगना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये कराची के मौसम की तरह बहुत ज़्यादा उबल गया है और जितनी गर्मी आजकल पड़ रही मुझे लगता है ये उतना ही ज़्यादा गर्म हो गया है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना। और ये मैं इसे निकाल रही हूँ, ठीक है, एक गिलास गर्म पानी, ये हमारे पास एक गिलास गर्म पानी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म मत पीजिएगा जितना आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीती, मैं इतना पी सकती हूँ कि मेरी ज़बान ना जले, वैसे ही बहुत लंबी ज़बान है मेरी तो ये लंबी ज़बान ज़्यादा जले नहीं, इतना पीती हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर बहुत थोड़ा सा 2 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल रही हूँ और
आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आधा लींबू पड़ा हुआ है, क्योंकि ये लींबू काफ़ी बड़ा था तो मैं आधा यूज़ कर रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मेरे पास लींबू बहुत छोटे होते हैं तो मैं पूरा एक लींबू डाल लेती हूँ। बेसिकली होता यूँ ही है कि आप पूरे रात के भूखे होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी इसीलिए नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बेसिकली गर्म पानी आप पीते इसलिए कि आपकी बॉडी को एक शॉक चाहिए होता है, और उसके बाद आप इसको पीने के कोई 30 मिनट बाद आपको नाश्ता करना है। तो मैं ये काफ़ी बड़ा लींबू था इसलिए मैं हाफ लेमन, हमेशा बड़ा लींबू होता है तो हाफ लेमन, छोटा लींबू होता है तो मैं हमेशा एक छोटा लेमन इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैं इसके अंदर, बहुत गर्म होता है ग्लास तो मैं इसको ऐसे दिखा दूँ कि मैं इसके अंदर इसे स्क्वीज़ कर रही हूँ, धुआँ निकल रहा है, कसम है आपको इतने धुएँदार कभी कोई ड्रिंक मत लीजिएगा प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है। तो आई थिंक कि ये अच्छी तरह हो गया है, इसके अंदर बेसिकली बीज जा रहे हैं, मैं इतनी सुगढ़ हूँ नहीं कि मैं बीज को जाने से रोकूं, तो आप लोग बीज निकाल लीजिएगा। तो ये वो ड्रिंक है जिसके अंदर आपको एक ग्लास गर्म पानी के अंदर आपको एप्पल साइडर विनेगर और लेमन डाल के रोज़ सुबह नाश्ते से पहले निहार मुँह अगर आप ये पिए तो आप बहुत अच्छा और बहुत जल्दी वेट लूज़ कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, और इसी तरीके से मैंने अपने वेट को मेंटेन रखा है, क्योंकि मैं इतनी फूड लवर हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकती हूँ। तो ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक है, दिस इज़ माई नंबर वन मैजिकल मॉर्निंग होम रेमेडी। माई सेकेंड मैजिकल होम रेमेडी, अब ये जो दूसरी होम रेमेडी है ये बेसिकली एक ग्रीन टी है, ये ग्रीन टी मैं रोज़ पीती हूँ, और अगर कभी शूट्स होती है तो शूट्स पे नहीं पी पाती क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। ये सबसे पहले मैंने अपनी एक दोस्त के घर पे पी थी, और जब ये मैंने पी थी तो उसने मुझे सबसे पहले विदाउट हनी पिलाई थी, तो इसका टेस्ट बिल्कुल मेरी बर्दाश्त से बाहर था और मैंने कहा ये मुझे क्या जहर पिला दिया है। लेकिन आहिस्ता 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 जब मैंने भी इसे इस्तेमाल करना शुरू किया और मैंने इसके फ़ायदे देखे, बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छी रहती है, बहुत फ्रेश रखती है, ये मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश रखती है और मुझे वेट लूज़ करती है मेरा। और ये ग्रीन टी के अंदर, क्योंकि नॉर्मली ग्रीन टी पीना विदाउट शुगर विदाउट हनी ग्रीन टी पीना बहुत मुश्किल होता है, तो ये एक फ्लेवर ऐड करती है और इसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, तो इसलिए ये फारिक टाइम में बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक कप पानी जो मैं गर्म करूँगी, क्योंकि ये ग्रीन टी है तो ये उबाली जाएगी, बनाई जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, वी हैव लेमन, इसके बगैर मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई टी या ड्रिंक बना सकते हैं। और है ज़ीरा, ज़ीरा वेट लूज़ करने में बहुत हेल्प करता है ऐसा मेरी अम्मी कहती हैं, और अम्मी कहती हैं तो बिल्कुल ठीक ही कहती होंगी, अम्मी गलत क्यों कहेंगी, अम्मियाँ गलत नहीं कहती। तो ये है ज़ीरा, और इसके साथ हमारे पास है ग्रीन टी, ये खुली ग्रीन टी है अगर आप देख रहे होंगे तो, ये कहते हैं कि जो पैकेजिंग होती है, जो पैकेट वाली ग्रीन टी होती है या जो पेपर वाली ग्रीन टी होती है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर होती है और ज़्यादा फ्रेश ऑर्गेनिक होती है। तो ये ऑर्गेनिक ग्रीन टी है, ब्रांड में नहीं बताऊंगी, ब्रांड वाले जब तक मुझे पैसे नहीं देंगे, जब तक मेरी वीडियोस स्पॉन्सर नहीं करेंगे तब तक मैं बिल्कुल ब्रांड्स नहीं बताने वाली कि ये कौन से ब्रांड्स की हैं। तो और हमारे पास है मेथी दाना, मेथी दाना भी मुझे पता चला है, मेरे सोर्सेज से मुझे पता चला है कि वेट लूज़ करने में बहुत हेल्प करता है, और वेट लूज़ करने में मेरी भी बहुत हेल्प करता है। मेथी दाना बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो मैं अपने तेल में भी यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर हेयर वाली रेमेडीज़ और हेयर वाली चीज़ें वो हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ जो ग्रीन टी मैं पीती हूँ, जो ग्रीन टी मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं आपको उसकी रेसिपी बता रही हूँ। और यहाँ पर है हमारे पास हनी, हनी इस ग्रीन टी में यूजुअली लोग इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये वेट लूज़ करने के लिए पी जाती है और बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस मिलती है ये पीकर। हनी से सिर्फ इसका टेस्ट चेंज होता है, अगर आप इसे विदाउट हनी पिए तो बहुत बेहतरीन है, जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर विदाउट हनी पीऊँ, क्योंकि हनी का अक्सर प्रॉब्लम ये है कभी ओरिजिनल मिलता है, कभी ओरिजिनल नहीं मिलता, कभी अच्छा होता है कभी अच्छा नहीं होता, तो इसलिए हनी अगर आप डालेंगे तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा, हनी नहीं डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी होगी ग्रीन टी। तो सबसे पहले इसे हमेशा कोशिश कीजिएगा कि ये इलेक्ट्रिक कैटल में पकाएं, इससे बेहतर है आप अपने घर में पतीली में या पैन में इसको बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हमें एक मग
बल्कि एक मग से थोड़ा ज़्यादा ही अगर पानी लें तो बेहतर है, क्योंकि जब ये बॉईल होता है तो पानी जल जाता है और मग से थोड़ा कम हो जाता है। तो एक मग से थोड़ा ज़्यादा पानी लें, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि मुझे ये अभी नहीं पीना, अभी मैं सिर्फ बना के आपको दिखा रही हूँ। फीलिंग लाइक सुबैदा पर आई ना। खैर, तो ये मैंने कैटल ऑन कर दी है। वैसे आपको क्या करना है कि एक पैन के अंदर एक मग से ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा पानी लेना है और फिर इसके साथ आपको चीज़ें बॉईल करनी है। बॉईल करनी है कैसे, एक टीस्पून जीरा। मुझे पता नहीं इस कैटल का इस वीडियो के बाद क्या हाल होने वाला है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और ग्रीन टी, मुझे पता नहीं आप लोग कितनी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ग्रीन टी ज़्यादा ही लेती हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा मैंने हाफ टी स्पून यूज़ कर रही हूँ। एक टी स्पून मेथी दाना मैं इसमें डालकर आपको इसे बॉईल करना है। बॉईल इतना करना है कि इस ग्रीन टी का कलर चेंज हो जाए। जब आप ज़ीरा, मेथी दाना और ग्रीन टी डालेंगे तो वैसे भी ग्रीन टी से तो कलर चेंज हो ही जाएगा, लेकिन ये थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हम इसे इतना बॉईल करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद जब हम इसे मग में निकालेंगे तब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। बताना ये चाहती हूँ कि ये ग्रीन टी अगर आप लंच के बाद और डिनर के बाद, बिफोर बेड भी पिए या लंच और डिनर के बाद अगर आप इसे यूज़ करें तो ये बहुत आपको फ्रेश रखती है और आपका वेट लूज़ होता है, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ करती है और आपका खाना बहुत अच्छी तरह हजम करती है। तो अगर ये वेट लूज़ नहीं भी करना तो अपनी हेल्थ भी अच्छी करनी है, तो मैं भी अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए ये पीती हूँ। तो अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं तो भी आप ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर आप किसी भी चीज़ से एलर्जिक ना हो। तो ये ग्रीन टी वेरी गुड, मुझे उम्मीद नहीं थी इस केटल से, पर बहुत अच्छी खरी उतरी मेरी उम्मीदों पे। काफ़ी अच्छा पानी बॉईल हो चुका है। तो ये ग्रीन टी मैंने बॉईल कर ली है और इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो लेकिन सबसे पहले जब ग्रीन टी आपकी बॉईल हो जाए तो इसे छाने बगैर आप मत निकालेगा। तो हम अपनी ग्रीन टी पहले मग में छान लेते हैं। ओके, तो ये ग्रीन टी हमने निकाल ली है और इसका बहुत अच्छा कलर अगर दिख रहा हो तो। अब इसके अंदर हम इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी। वो है कि हाफ लेमन, वही यू नो द ड्रिल, छोटा हो तो पूरा लेमन डालिएगा और अगर बड़ा लेमन है तो हाफ लेमन यूज़ कीजिएगा। इसके अंदर हाफ लेमन इतना निचोड़ना है, इतना निचोड़ना है कि नींबू की जान ख़त्म हो जाए और इसे अच्छी तरीके से नींबू, इतनी जान नहीं बची कि मैं नींबू निचोड़ सकूँ, नींबू इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, ये ग्रीन टी मुझे ऐसे ही पसंद है बग़ैर शहद के, और मैं इसे यूजली ऐसे ही पीती हूँ। लेकिन अगर इसका टेस्ट चेंज करना है, या बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कड़वी चीज़ें पीना पसंद नहीं होती और अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा टाइम तक आप इसे यूज़ करें या रोज़ यूज़ कर सकें, तो इसके अंदर आप एक टीस्पून आप ऑर्गेनिक अच्छा वाला हनी डालें। मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बाद में पीना भी होगा, और डालकर इसे अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर लें। मैं हमेशा अपने लंच के बाद या डिनर के बाद ये ज़रूर पीती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है ये पी के। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और दिन में कभी भी आफ्टरनून में या इवनिंग में अगर आपको कोई ड्रिंक पीनी हो जिससे आप चाहते हैं कि आपका वेट लूज़ हो तो वो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ड्रिंक्स आपको बता दी हैं, ये दोनों होम रेमेडीज़ हैं। एक थी जो मैं सुबह इस्तेमाल करती हूँ, एक थी जो मैं दोपहर को इस्तेमाल करती हूँ। अब बारी है मेरी थर्ड मैजिकल होम रेमेडी की। ये थर्ड मैजिकल होम रेमेडी जो है, ये मैं रात को सोने से 2 घंटे पहले मैं ये पीती हूँ और फिर उसके बाद सो जाती हूँ। बेसिकली ये एक फैट कटर ड्रिंक है और ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से तैयार होता है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है, क्योंकि रात को इतनी एनर्जी नहीं होती, इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना कुछ करें, दिन भर इतना थकावट होती है, इतनी रूटीन हेक्टिक होती है, उसके बाद आप ये सब कुछ करें, वैसे ही इतना टाइम नहीं होता। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है। तो खैर, मैं आपको अपनी लास्ट मैजिकल होम रेमेडी बता रही हूँ। इसके लिए भी मुझे 1 ग्लास गर्म पानी चाहिए होगा, जो मैंने ऑलरेडी 1 ग्लास गर्म पानी इसके अंदर डाल दिया है। कैटल को मैं ऑन कर रही हूँ और 1 ग्लास गर्म पानी के अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून ऑफ सिनेमन,
ये टीस्पून ऑफ सिनेमन मैं इसमें ऐड करूंगी। ये इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून सिनेमन ऐड कर दिया है। अब हम इसे बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, हम सालन या पाए नहीं बना रहे, बहुत थोड़ा सा इसे बॉईल करना है ताकि इसका हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए। और ब्राउन कलर जब आ जाए इसको, उसके बाद आप अपना स्टोव बंद कर दीजिए, चूल्हा बंद कर दीजिए, और फिर उसके बाद ये पूरा 1 गिलास पानी इसके अंदर आपको निकाल लेना है। ये मैंने अपना सिनेमन का पानी इसके अंदर निकाल लिया है। प्लीज़ मेक श्योर कि एक तो ये किटली जिस दिन मुझे इस्तेमाल करने आ गई हो गया तो इसे प्लीज़ बहुत ज़्यादा बॉईल मत कीजिएगा, इतना मत उबाल लीजिएगा कि आपसे पिया मत जाए, पिया ना जाए। और वैसे भी ज़्यादा उबली हुई चीज़ें पीनी नहीं चाहिए, ज़बान जल जाती है। खैर, तो आपने सिनेमन का पानी बना लिया है, उसके बाद आपको एप्पल साइडर विनेगर है, ये मैं बहुत थोड़ा थोड़ा, मतलब हार्डली कोई 1.5 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून इसके अंदर ऐड करके मैं इसे मिक्स कर दूँगी। और मेक श्योर आप एप्पल साइडर विनेगर तब ऐड करें जब ये पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मतलब लूप वार्म वाटर हो जाए, आपको बहुत गर्म पानी नहीं पीना। जब ये सिनेमन का पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर आप ऐड कर लें। और ये इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ज़्यादा एप्पल साइडर विनेगर आपकी बॉडी के लिए या कुछ लोगों के लिवर के लिए ठीक नहीं होता। तो अगर आपको लगे कि आपके लिए ज़्यादा एप्पल साइडर विनेगर ठीक नहीं है, या एप्पल साइडर विनेगर आप हज़म नहीं कर पाएंगे, या आपको बॉडी को सूट नहीं करेगा, तो प्लीज़ इसे ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके मैंने अपना वेट लूज़ किया है, प्लीज़ मुझे बद्दुआएं मत दीजिएगा। ये सिर्फ वो रेमेडीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी यहाँ वहाँ से सुनते ही होंगे, लेकिन अक्सर मेरे पास आजकल बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि आप बताएं आप पूरे दिन में क्या खा रही हैं, आप बताएं आप पूरे दिन में क्या पी रही हैं, आपने कैसे इतना वेट लूज़ कर लिया, आपका फेस इतना पतला कैसे हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, जो मेरी बॉडी को सूट करती हैं और मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये मेरी तीसरी मैजिकल रेमेडी है, मतलब मैजिकल ड्रिंक है, होम रेमेडी है, जो मैं रात को सोने से पहले पीती हूँ। अच्छी बुरी कोई भी बात हो, अगर आपको मैं बहुत ज़्यादा ज़ुबैदा आप लगी, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, या मैं आपको कोई शेफ़ लग रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें क्योंकि मुझे ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। वट एवर यू थिंक, अच्छी लगे बुरी लगे, एडवाइजेज हों मुझे बता दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा बुरा भला मत बोलिएगा मुझे कमेंट्स में। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू।